8 अप्रैल 1929 तत्कालीन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के निचले सदन यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली सदस्यों और दर्शकों से भरा हुआ था। उस दिन दो अहम बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर चर्चा होनी थी। हालांकि ये चर्चा तो महज औपचारिकता थी, अंग्रेजों ने इन दोनों बिलों को पारित कराने की पूरी व्यवस्था जो कर ली थी। भारत के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रतिनिधि सर जॉर्ज शूस्टर ब्रिटिश सरकार का मत रखने के लिए उठे ही थे कि अचानक असेंबली में एक के बाद एक दो बम फोड़े गए। इन बमों की आवाज से पूरे सदन में खौफ छा गया और लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगे। लेकिन यदि कोई नहीं भागा तो वो थे दर्शक दीर्घा में बैठे दो युवक। खाकी की कमीज और शॉर्ट्स पहन के आए इन दोनों युवकों ने इसी भगदड़ में लाल रंग की पर्चियां फेंकनी प्रारंभ की और पूरा सदन इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। पुलिस के आने के बाद भी ये दोनों युवक अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुए और बिना झिझके पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। इनमें से एक युवक बाद में करोड़ों युवाओं की प्रेरणा और अमर हुतात्मा भगत सिंह के रूप में सदा के लिए अमर हो गए, परंतु दूसरा युवक भगत जैसे वीर और प्रतिभावान होने के बाद भी गुमनामी के अंधकार में सदा के लिए खो गए। ये कथा है अमर हुतात्मा बटुकेश्वर दत्त की, जिन्होंने असेंबली में बम फोड़ने में भगत सिंह का साथ दिया था और जिनकी आज 54वीं पुण्यतिथि है। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को पश्चिम बंगाल के पूर्वा बर्धमान जिले के औरी ग्राम में हुआ था। अपना बचपन बर्धमान जिले में बिताने के बाद ये कानपुर आए, जहां उन्होंने पहले पीपीएन हाई स्कूल से अपना हाई स्कूल और फिर पीपीएन कॉलेज से अपना स्नातक पूरा किया। यहीं पर 1923 में बटुकेश्वर की मुलाकात भगत सिंह से हुई थी, जो उस समय विवाह से बचने के लिए कानपुर भाग आए थे। भगत सिंह और अजय घोष के साथ उन्होंने तत्कालीन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण की, जिसके संस्थापकों में योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र नाथ बख्शी, सचिंद्र नाथ सान्याल एवं राम प्रसाद बिस्मिल जैसे नेता शामिल थे। बटुकेश्वर दत्त पहले एचआरए और उसके पश्चात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के अहम सदस्य थे। अंग्रेजी अफसर जेपी सॉन्डर्स को मार गिराने के पश्चात जब कलकत्ता में सभी सदस्य इकट्ठा हुए थे तो इसी दौरान बटुकेश्वर दत्त ने यतीन्द्रनाथ दास यानी जतिन दास को एचएसआरए में शामिल कराने का सुझाव दिया था, क्योंकि वे बम बनाने में काफी कुशल थे। जतिन के अंतर्गत एचएसआरए के कई सदस्यों ने बम बनाने में प्रशिक्षण लिया था। उस समय ब्रिटिश राज के विरुद्ध विद्रोह को दबाने के लिए तत्कालीन सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को मजबूत बनाने के लिए दो बिलों को सदन में पारित कराने का निर्णय लिया, जहां पब्लिक सेफ्टी बिल के जरिए किसी भी व्यक्ति को बिना सूचना के हिरासत में लिया जा सकता था, तो वहीं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के सहारे सरकारी हस्तक्षेप के विरोध स्वरूप होने वाली हड़तालों पर लगाम लगाई जा सकती थी। इसी के विरोध स्वरूप भगत सिंह ने एक फ्रांसीसी कट्टरवादी ऑगस्टे वैलियंट, जिन्होंने पेरिस के चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज में बम फेंका था, से प्रेरित होकर असेंबली में बम फोड़ने का प्रस्ताव रखा। इसके लिए पहले एचएसआरए ने राम शरण दास और बटुकेश्वर दत्त को चुना, लेकिन सुखदेव थापर के विरोध के पश्चात भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम फोड़ने के लिए चुना गया। असेंबली के बम कांड के बाद बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को अलग अलग जेलों में रखा गया, ताकि वो किसी भी जेल में जाकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कोई विद्रोह ना कर सके। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह पर दिल्ली के सेशन कोर्ट में मुकदमा चलाया गया, जहां पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आईपीसी की धारा 307 और विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 4 के अंतर्गत उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। भगत सिंह को बाद में सैंडर्स की हत्या के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा मिली, यानी उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बटुकेश्वर दत्त पर लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा भी चलाया गया था, परंतु वहां इनके विरुद्ध कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाए। जहां भगत सिंह और सुखदेव एवं राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था, तो वहीं बटुकेश्वर दत्त को पहले अंडमान के सेलुलर जेल और फिर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के नाते मोतिहारी जेल में सजा काटनी पड़ी, जिसके कारण उन्हें क्षय रोग यानी टीबी की बीमारी हो गई। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने अंजलि नामक एक युवती से नवंबर 1947 में विवाह किया था। हालांकि जिस देश के लिए बटुकेश्वर दत्त ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, उस देश का स्वतंत्र प्रशासन उन्हें एक सम्मानजनक नौकरी भी नहीं दे पाया। बटुकेश्वर दत्त ने कई नौकरियां की, जैसे एक सिगरेट कंपनी का एजेंट होना या फिर एक छोटी सी बिस्कुट एवं ब्रेड
अथवा डबल रोटी का कारखाना खोलना या फिर परिवहन के क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना, जिसमें से दुर्भाग्यवश उन्हें किसी क्षेत्र में सफलता हाथ नहीं लगी। जब क्षय रोग के कारण उनकी हालत बिगड़ती गई तो उन्हें पटना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इनकी हालत देखकर व्यथित पत्रकार मित्र चमनलाल आजाद ने एक लेख में लिखा, क्या दत्त जैसे क्रांतिकारी को भारत में जन्म लेना चाहिए? परमात्मा ने इतने महान शूरवीर को हमारे देश में जन्म देकर भारी भूल की है। खेद की बात है कि जिस व्यक्ति ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी थी और जो फांसी से बाल बाल बच गया, वह आज नितांत दयनीय स्थिति में अस्पताल में पड़ा एड़ियां रगड़ रहा है और उसे कोई पूछने वाला नहीं है। इस लेख के प्रकाशित होने पर पूरे प्रशासन में मानो हड़कंप मच गया और आजाद के अलावा तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा और पंजाब के मंत्री भीमलाल सच्चर बटुकेश्वर दत्त से मिले। पंजाब सरकार ने तो 1,000 रुपए का चेक बिहार सरकार को भेजकर राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री केवी साय को यह भी लिखा कि यदि वे उनका इलाज कराने में सक्षम नहीं है तो वह उनका दिल्ली या चंडीगढ़ में इलाज का व्यय वहन करने को तैयार है। बटुकेश्वर की हालत बिगड़ती चली गई क्योंकि उन्हें सही समय पर सही इलाज नहीं मिल पाया था और 22 नवंबर 1964 को उन्हें दिल्ली लाया गया था। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से यह कहा, मुझे स्वप्न में भी ख्याल ना था कि मैं उस दिल्ली में जहां मैंने बम डाला था एक अपाहिज की तरह स्ट्रेचर पर लाया जाऊंगा। उन्हें पहले सफदरजंग अस्पताल और बाद में उच्च स्तर की सुविधा के लिए 11 दिसंबर को उन्हें एम्स में भर्ती किया गया था, लेकिन फिर पता चला कि दत्त बाबू को कैंसर हुआ है और उनकी जिंदगी के चंद दिन ही शेष बचे हैं। भीषण वेदना झेल रहे बटुकेश्वर दत्त के चेहरे पर तब भी कोई शिकन नहीं थी। बटुकेश्वर दत्त ने प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता मनोज कुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म शहीद के लिए पटकथा भी लिखी, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। उनकी अंतिम इच्छा पूछने पर बटुकेश्वर ने इतना ही कहा, मेरा अंतिम संस्कार फिरोजपुर के हुसैनीवाला में स्थित उसी समाधि पर किया जाए जहां भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु की अंत्येष्टि हुई थी। अंततः काफी समय तक क्षय रोग और कैंसर की दोहरी मार से जूझने के बाद 20 जुलाई 1965 को बटुकेश्वर दत्त ने अंतिम सांस ली। उनकी इच्छा अनुसार उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर के हुसैनीवाला स्थित भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु की समाधि पर ही कराया गया था। ये बड़ी ही विडंबना की बात है कि जिस क्रांतिकारी ने भगत सिंह के साथ कदम से कदम मिलाकर देश की स्वतंत्रता में अपना छोटा परंतु अहम योगदान दिया था, उसे अंत समय में उचित सुविधाएं भी नहीं मिली। ऐसे ना जाने कितने आजादी के मतवाले रहे होंगे जिन्हें स्वतंत्र भारत के प्रशासन ने सम्मान देना तो दूर की बात, उन्हें पहचानने से भी मना कर दिया होगा।